हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। अभी लगभग दोपहर हो गई है और वानिका को रेडी कर लिया है ले जाने के लिए, कन्नू को रेडी कर दिया जाने के लिए। आपके बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप क्यों नहीं जा रहे हो अपने नाना नानी के यहाँ से और मायके। तो आज वो भी जा रही है अपने मायके, तो घूमने जा रही है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाएंगे, बस आना जाना सा करेंगे। तो आप सभी को लोग चलते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ को होके जाएंगे, सब जगह आपको दिखाएंगे जरूर। तो रेडी हो चुके हैं और वानिका सबसे पहले हमारी रेडी है, सबसे बहुत देर से, और कैप भी लगा रखा है। पर गर्मी काफ़ी अच्छी खासी है, पर बादल कभी आ रहे कभी जा रहे हैं। तो जी तैयार होते होते बच्चों के साथ में बहुत लेट हो जाते हैं और हम सुबह से तैयार होने में लगे हुए हैं कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे, पर इसे काम कर लूँ और ये वाला भी काम कर लूँ, ये वाला भी निपटा लूँ। तो इसने धीरे धीरे करके सारे काम फिनिश कर लिए। मम्मी दादी के लिए खाना भी बना दिया है और वो सब खिला के और खा के अभी हम निकल रहे हैं। और ये वाला कैब भी उड़ सकती है, पर मुझे लग रहा है कि शायद ये भी वाने के सारे कैब अभी बड़े आ रहे हैं। ये वाला भी उतार देगी, वो भी, इसे भी नहीं उड़ने देगी। अब तो दिख ही नहीं रहा कुछ आगे से। ओहो, घूमने कहीं और फिर जाएंगे मामा जी के यहाँ इनके। तो देखते हैं अभी यहाँ से जाने के बाद हम कहाँ रुकते जाके और कहाँ स्टे करते हैं और फिर कैसे कैसे निकलते हैं। तो चलिए जी, आपको देते रहेंगे यहाँ का नई नई लोकेशन, आपको दिखाते रहेंगे। ऐसे तो है ना, कन्नू के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन है ना मैडम से बात कर ली थी आज कन्नू के पापा जी ने, और मैम से भी और सर से भी। तो अभी बस इसीलिए पूछ करके जा रहे हैं, फिर है ना कावड़ के बाद में इनके एग्जाम भी होंगे स्टार्ट। और कन्नू बहुत खुश है, सुबह से जब से है ना इसको पता चला है, जब से सारी बातें माने जा रहा जो कुछ काम बता रही। मैं ये कह रही कि ये कूड़ा वहां पे डाल का हो डस्टबिन में, तो डस्टबिन में डाल के आ रहा है। इतना संस्कारी बच्चा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और वानिका ने खाने भी ये वाली कैप लगा ली है, ये मामा जी के जाने की खुशी में। और इधर मम्मी भी कपड़े फैला रही है, ये सारे के सारे कपड़े धो दिए थे, सुखा दिए थे, तो बस ये थोड़े से कपड़े फैलाने रह गए थे। तो मम्मी ने सोचा कि मारे जाने से पहले पहले ये भी फैला दे। और वानिका को माँ को देखे जा रही कि आज माँ काम कैसे कर रही है आज इतनी तेज धूप में। ओए वानिका, बड़ी लगी है वाली कैप, बड़ी कैप है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है ये वाली कैप। तो इसमें गिरस लगा ले। हाँ, यहाँ पे एक गिरस लगाऊंगी जो निकला ना ये वाली कैप। ये पिताजी को ध्यान रखने की बात कर रहा है, जो पिताजी इसका ध्यान रखते थे। तो पिताजी आज अपना ध्यान रखियो आप, कन्नू जा रहा है मम्मा जी के यहाँ पे और ये आपका ध्यान रखता था ना, तो आज अपना ध्यान रखियो और मन लग जाएगा आपका। पिताजी मन नहीं लगने का, कन्नू क्या करे, जाना कैंसिल कर देगा है। अब जब वगैरह जब पैकिंग कर ली तो अब चले जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं और जल्दी मिल के आएंगे, ठीक है मम्मी, ध्यान रखियो अपना, ये कह रहा है ना। और वानिका को याद करोगे तो फोन कर लेना, मैं वीडियो कॉल करा देंगे, है ना। और वानिका पूरी खुश है जाने से। ओ कन्नू, हाँ मम्मा का चल जाएगा, फोन कर दिए, ठीक है। वानी वानिका के लिए ले लिए थे, घर पे ही शॉपिंग हो गई थी, लेकिन अर्णिका के लिए नहीं हुई थी। वानिका की बुआ जी लेकर के आ गई थी। तो यहाँ पे सापुर मार्केट पड़ती है, तो यहाँ से शॉपिंग कर ली है और तो फिर चले गए अपने घर। और कन्नू आज बहुत एक्साइटेड है। लो एक पैसे भाई आ गए हैं बम्बी दीदी के यहाँ। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चिंकी को दे दे, मौसी को देगा क्या? नमस्ते मौसा जी, नमस्ते। चलो भाई अभी अभी हम पहुंच गए यहाँ पर बम्बी दीदी के यहाँ पे और मिल चुके हैं भाई साहब। तो बहुत दिनों से प्लान चल रही थी इनके जाने की, तो हमारे आपस में बात होती रहती थी कि भाई बच्चों को वहाँ भी जाना चाहिए मम्माओं के। तो काफ़ी दिनों बाद इनका और हमारा मन बना है कि इनको थोड़ा थोड़ा सा घुमा के ले आए एक आध दिन के लिए। और आप लोगों के कमेंट भी बहुत आ रहे थे कि छुट्टियों में मम्मा के यहाँ क्यों नहीं गई है। यहाँ पर गैदरिंग हुई घर पर कि यहाँ से इकट्ठे ही चलेंगे, तो भाई ये संजय बोबी और वाणी का कन्नू सब यहाँ पर आ गए और सारे बालक हमारे वाले, इनके मम्मा का होम होम इनकी निकाल के लाओगे थोड़ी बहुत, क्योंकि ये बहुत दिनों से कर रहे, पूरी छुट्टी ऐसे ही बिता दी, मम्मा का लेके नहीं गए। तो भाई ये 2 दिन के लिए अब जाएंगे मम्मा के सारे। बालक कर रहे हैं या बालक की मम्मी का? बालक ही कहेंगे हम तो, और क्या कहेंगे। तो बालकों को तो खैर जहाँ रख लो तो वहीं मन लग जाता है, उनको काम मम्मा के चलना है तो मम्मा के लिए रेडी हो गई है। तो जी काफी दिनों से था और पर बीच में ऐसा चल रहा था, आप भी बिजी थे, हम भी बहुत बिजी थे, घर पे और भी बच्चे आए हुए थे और कुछ ये बीमार हो गए थे,
तो इस वजह से बीमार की हालत में लेकर भी इनको उनकी दस्त लग गए थे, तो वहाँ जाना सही नहीं था। सबसे पहले चीज देखनी पड़ा है, बच्चे बीमार हो, उनकी सेहत गड़बड़ा रही हो, तो ये इन चीजों में बाहर नहीं जाया जा सकता, तो सबको पता ही है। अब ये ठीक ठाक रहे, सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि बच्चे ठीक रहेंगे तभी तो घूम पाओगे, मम्मा के तो फिर भी चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी ठीक है। और छुट्टियां इनकी जो एक दो दिन की अभी है, क्योंकि आज खुले नहीं है, दो चार दिन तो चल जाएगा, क्योंकि संडे सैटरडे निकल जाएगा ऐसे ही, तो उसमें जो है ये घूम के आ जाएंगे। तो फिलहाल भाई यहाँ से करते हैं प्लानिंग, अभी बजे हैं 2:15 और 1-1.5 घंटे में यहाँ से निकलने की प्लानिंग है। और वाणी का पहले तो डर रही थी भाई, लेकिन अब इसका थोड़ा थोड़ा मन लग गया, पहचानने लगी। हाँ, अब की बार आधार कार्ड बना ले सबका, ठीक है, क्योंकि भाई कन्नू तो जानता है और पहले कई बार आ भी चुका, तो इसीलिए वो है ना अपने दोस्तों के साथ में बाहर घूम रहा है। अब उसकी तो बॉन्डिंग होगी जल्दी, वो तो लग गया अपने ग्रुप में कंपनी देने के लिए, उसे आरू सारू सी और चिंकियां तैयार थे और नंदनी, और देखो अभी भी क्या क्या डोरे भाई कहा ले जाए, वो तो लिए जिम का सामान बना दिया इसने तो। आप वानिका के साथ में यहाँ पे आराम करो, ठीक है, और आप कितनी देर में तैयार हो जाओगे? बस बच्चे तैयार हो गए, हमारा क्या तैयार होना, पैंट पुर सेट कर लेंगे और चल देंगे। अभी सभी अंदर है कमरे में और मैं भी नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ जाकर भी, मैंने मौसी जी से मिली नहीं थी, मौसी जी जब मैं आई थी ना सो रही थी, तो अभी बस उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। नाश्ता वास्ता हमने कर ही लिया है और यहाँ पे मैंने इसके मनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट जो है वे भी देख लिए, काफी ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे। एक बबली दीदी भी तैयार होने के लिए चली गई है और बुंडू चिंक के बच्चों को एकदम से बाद में रेडी कर देंगे। तो चलिए आपको नीचे दिखाते हैं कि नीचे क्या क्या कर रहे हैं ये सब। फाइनली मेरे कपड़ों पे है ना प्रेस हो ही गई है, क्योंकि कन्नू के पापा ने तो कर ली थी, और अभी अभी अमित आया है मतलब बाहर से, तो वो ये कह रहा था कि कैसे हो आप सब, ठीक है, तबीयत खराब हो रही है आज मौसी जी को, है ना सारे बॉडी में पेन हो रहा है। एक बार है ना अपना यूरिक एसिड चेक करा लेते मौसी जी। जब माँ वहाँ पे गई थी तीर्थ यात्रा पे, जब माँ ऐसे कह रही कि माँ जब मैं इतने किलोमीटर चली थी मेरा कुछ दर्द नहीं हुआ था, और यहाँ 3 साल मेरा दर्द हो गया, तो वही रहना शुरू कर दो। जी मैं वैसी। अच्छा चलो, इतने कपड़े इस पे और सारे कपड़े पैर पैर का पुराने कर दिए अंदर, चाहे कितने तो ठंडे पानी में आ गई ना तो ठंड लगी। अच्छा अन्ना कुछ हुआ मेरे वहाँ पे, और जी मैं यहाँ तक गई गर्म पानी में नहा रही थी, तो हाँ इग्लोन लग रहा था मारे, भगवान की कृपा है एक प्रकार से, वो लग रहा था इग्लोन उसका पानी रड़ा के हम जी नहा रही थी, और जी मैं वहाँ गई मैं कब आदमी जाता तो 5 गर्म पानी मिलेगा, और मेरा तो कुछ ना कुछ हो जाए ठंडा पानी में। अच्छा। और वहाँ जाकर वो इतना ठंडा पानी क्या फ्रिज का होगा, कहना मित का गात भी सुन हो जाता पानी गिर तो ही और फिर तो जी कर रहा था पर जनो गिर हो जा। अच्छा, एक बार कुछ किसी लगा का फिर तो ये सोचा हो कि गिरते रहोगे गिरते रहोगे, इतना मस्त गीता। अभी ये भी आ गए हैं मौसी जी से मिलने के लिए, और वानी का यहाँ पे आ गया ना, किसी की गोद में नहीं जा रही, बस मेरी गोद में ही आ रही, मौसी जी ने बार बार लेने की कोशिश कर रहे लेकिन जा नहीं रही। आरुषि को भी ले ली गद्दो, आरुषि का भी गद्दा ले लिया, सबको देख कर तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब सब चले गए ना जब अजीब सा लग रहा है। और जीजू तो चले गए आज, फिर कैसा लग रहा है आज? अजीब सा लग रहा है, 1.5 महीना हो गया एक साथ रहे तो आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि अजीब सा लग रहा है आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद अलग अलग रहे। और नए बच्चे भी हमारे साथ में जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल ही खाली खाली हो जाएगा यहाँ पे, फिर रहते जब इतना फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि एक दूसरे के साथ पता ही लगता टाइम का, लेकिन आज वे भी चले गए ये भी चले जाएंगे, तो बस फिर आप रह जाओगे अकेले। इनको बस काम निपटाने की है। ये कॉटन की ड्रेस पहना रखी है बहुत ही प्यारी सी, ये देखिए, और मुकुट भी उतार रखा है क्योंकि है ना गर्मी बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो ये हल्की कॉटन की ड्रेस ला रखी है कान्हा जी के लिए भी, ये पहना करके बिठा रखी है। यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि क्या पहना जाए, कभी साड़ी पहने कभी सूट कभी कोई सा कभी कोई सा ट्राई करके देख रहे हैं बबली दीदी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं आती हूँ ना, मेरी और प्रीति दीदी की बहुत सारी बातें होती है जो हमारी कुछ पर्सनल होती है बहुत ज्यादा, तो पापा जा रहे थे अभी, हमें सुन रहे थे, अभी हम
कुछ और बात कर रहे हैं, तो अभी फिर मिलेंगे दीदी, ठीक है? और आप भी चलते ना हमारे साथ, मैं घर पे आऊंगा अभी। तो पहले तो इनके बैग जा चुके और अब जा रहे हैं बोबी के बैग। तो ज्यादा ज्यादा बैग नहीं है क्योंकि ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है बैग देख के पता लग जाए कितने दिन के लिए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिन के लिए ही है। और वाणी का ने अपना खान पान ही ऐसे ही ले लिया, एक बेस को डाल लिया और बस सारा रास्ते ये जब आते रहेगा। तो ससुराल साजन, ससुराल चल दिया, ससुराल चल दिया, और ये चल दिया अपने माई के दोनों। हाँ चलो जी, चलो मैं आपको अपना स्कूल दिखा दू, पीछे चले गया स्कूल उसका, और कह रहा था कि मैं है ना नहीं कह रहा, सुबह उठ कर मैं एक दिन स्कूल जाऊंगा, पांच दिन की छुट्टी मारूंगा। मैंने कहा शाबाश बेटे, मैं तो मौज करती हूँ। और कन्नू भाई तुम कैसे करोगे? मामा का जाने का जितना शौक बालकों को है, और हमें भी ससुराल जाने का उतना ही शौक है। और भाई संजय आपको कितना है? मुझे तो एक्साइटमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल का हो रहा है, बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ मैं आज। वैसे मैं किसी को नॉर्मली बताता नहीं, लेकिन यहाँ घर की बात है, कोई और नहीं है, दूसरा कोई नहीं सुन रहा, इसलिए बता रहा। सारे लोग सुनेंगे। तो भाई पूरी जुलाई का महीना हो गया, मैं तो सोच रहा था ये जिक्र करें अपने मुंह से, तो मैं कह नहीं सकता भाई। जैसा कि भाई एक महिला जो है अपने मायके से ये नहीं कह सकती कि मैं ससुराल जाऊं, वैसा ही मेरा हाल था घर पे, मैं ये नहीं कह सकूं भाई मैं ससुराल जाऊं। यही नाम नहीं ले रही थी, अब नाम लिया इन्होंने, सारी छुट्टियां निकाल दी। और ये छुट्टी के लास्ट में जो एक दो दिन बच रहे थे, इसमें जो फॉर्मेलिटीज हैं वे सारी पूरी करके आ जाएंगे वहां से। तो खैर कोई बात नहीं, अभी भी समय है थोड़ा सा, एक दो दिन का, और पीछे डिस्कशन चल रहा है बालकों का। आरुषि, आरुष और कन्नू ये सिर्फ सबसे पिछली सीट पे हैं क्या? हाँ जी। हाँ, तो इनका कन्वर्सेशन कुछ चल रहा, गहरी बात चल रही है, इनके भी अभी काफी दिनों में मिले, जैसे कि दो चार औरतें ना साल भर में मिलक रहे हैं, ऐसी बात कर रही है भी कुछ। और भाई स्पेशली इनविटेशन ऐसा भी था कि भाई इनके मम्मा के ना जाट हो गए, जम्मू और आम पक गए बिल्कुल, वे कह रहे थे बारिश होगी और पूरा टपका लग रहा आम में भी दशहरी में, और जो जम्मन है बदम्मा वे भी पक चुकी हैं। तो भाई उन्हें खाने के लिए भी जा रहे हैं, हर साल जावे हम, जैसे लोग माता पूजने जावे ऐसे ही हम जामुन और आम खाने जावे वहाँ ससुराल में। यहाँ भी मिला है सारी चीज़ें। उन्होंने ये कह दिया नंदू को कि मेरे मम्मा के यहाँ जा रहे हैं, तो मेरे भी तो मम्मा है। सही कह रहे हो, तो चिपटी गई उसके, और कन्नू की मम्मा है, कन्नू की मम्मा, सारों के हैं, जितने बच्चे जा रहे हैं सारों के हैं, सबका वासी एक मम्मा है, सबको मिलेगा वो। और तुम्हारे मम्मा है ना, नन्ना जी का कह रहे हैं ना बच्चों को घुमा लाओ, बच्चों घुमा लाओ, बच्चों से मिल लेंगे आज वे। नूनी बताए खतरनाक वाले बोले भैया, जिनके गांव में आ चुके मम्मा के, और जितनी जितनी नजदीक घर आता जा रहा है उतनी भी खुशियां बढ़ती जा रही है बच्चों की। तेरे भी मेरे भी सबके सबके मम्मा के घर आ गई है, जगत मम्मा बन रहा क्या जगत भाई राम राम कर लिए पहले से नीचे रख के पैर छूट पहले चल गया।